स्टूडेंट्स, टुडे वी आर हियर विद आवर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। एंड इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट वन अनदर इम्पॉर्टेंट फेज ऑफ द सेल साइकिल, दैट इज क्विसेंट फेज और द G0 फेज। पिछले वीडियो में हम इसका शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन देख चुके थे, आज हम इसे डिटेल देखने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने इंटरफेज के बारे में स्टडी कर लिया था, यहाँ पर हमारे पास एक और फेज है जो कि हमें देखने को मिलती है सेल साइकिल में, दैट इज क्विसेंट फेज और द G0 फेज। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनएक्टिव फेज, क्लियर। इसे हम इनएक्टिव फेज भी कहते हैं। इनएक्टिव हम इसे क्यों कहते हैं? बिकॉज ड्यूरिंग दिस टाइम द डिवीजन फेज इज नॉट टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग दिस फेज। ठीक है, हमारे पास ये सेल साइकिल है, दिस इज द सेल साइकिल, ठीक है। ये हमारे पास थी डिवाइडिंग फेज, दिस इज डिवाइडिंग फेज एंड दिस कंप्लीट इज द इंटरफेज। ये पूरी कंप्लीटली क्या है? इंटरफेज। दिस इज द एम फेज, दिस इज G1, S, and G2, क्लियर। G0 फेज जो आती है इट इज ओनली इनएक्टिव फॉर डिवाइडिंग फेज ना। हमारे पास पूरा कंप्लीटली इंटरफेज की प्रोसेस आती है लेकिन सेल डिवीजन नहीं होगा, ठीक है। सेल डिवीजन नहीं होगा, इसका मतलब सेल फिर से किस स्टेज में चली जाएगी? G1 स्टेज में। ग्रोथ वहां पर होगी, ठीक है, कंप्लीट ग्रोथ विल टेक्स प्लेस बट द सेल विल नॉट डिवाइड। तो यहां पर इनएक्टिव किसके लिए है? ओनली फॉर डिवीजन फेज, इट इज इनएक्टिव फॉर डिवीजन फेज। ग्रोथ इज टेकिंग प्लेस, ठीक है, कंप्लीटली ग्रोथ और जो सिंथेसिस जितना भी कंप्लीट प्रोसेस होने वाली है दैट कंप्लीट प्रोसेस इज गोइंग टू टेक्स प्लेस बट ओनली द डिवीजन इज नॉट देयर। इस फेज को हम सेल साइकिल में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? इस फेज को यदि हम यहां पे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, सपोज वन मिनट, आई एम ड्रॉइंग इट विद अ डिफरेंट कलर। यदि इस फेज को हम यहां पे इस तरह से ड्रॉ करते हैं, दिस इज G0, दिस इज G0, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा? सेल साइकिल पूरा कंप्लीट हो रहा है, सेल साइकिल कंप्लीट हो गया, ठीक है, यहां से पूरा इंटरफेज कंप्लीट हुआ, डिवीजन इसमें होने वाला नहीं है। G0 फेज में सेल डिवाइड नहीं होगी, ठीक है, सेल डिवाइड नहीं होगी, इट मीन्स इट अगेन अंडरगोज G1, यहां पर फिर से क्या है? G1। इसको यदि आपने यहाँ पे हम इसे शो करते हैं तो ये थोड़ा सा मैसी टाइप हो जाता है ना, थोड़ा सा क्लियर हमें समझ में नहीं आता है कि यहाँ पे G1 में हमारे पास सेल आई, देन इट अंडरगोज G0 फेज, इसके बाद फिर से G1 फेज आ रही है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हमें लगता है। तो इसको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करने की बजाय हम इसे कहाँ रिप्रेजेंट करते हैं? हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, ठीक है, पूरा आपके पास इंटरफेज कंप्लीट हुआ है, G1, S, G2, पूरा ग्रोथ फेज कंप्लीट हुआ है, सेल ग्रो कर चुकी है। अब यहां पर सेल क्या करती है? डिवीजन में ना आते हुए सेल यहां से बाहर निकल जाती है ना, द सेल कम आउट ऑफ दिस साइकिल, ठीक है, तो पूरे साइकिल से सेल क्या हो जाती है? बाहर निकल जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिफ्रेंसिएशन और दिस फेज इज कॉल्ड एज G0 फेज। बाकी फिर से ये हमारे पास क्या होगा? पूरा साइकिल रन करता रहेगा लेकिन ये जो स्टेज है यहां से जो डिवीजन फेज है ये पूरा स्किप हो जाएगा, ये सेल्स डिवाइड नहीं होंगी, सीधा कहां चली जाएंगी? ग्रोथ के बाद G0 फेज में। सो दिस इज कॉल्ड एज G0 फेज एंड दिस प्रोसेस ऑफ कमिंग आउट ऑफ द सेल फ्रॉम द सेल साइकिल इज कॉल्ड एज डिफ्रेंसिएशन। दिस इज द डिफ्रेंसिएशन। एक बार जब सेल सेल साइकिल से बाहर आ जाती है, डिफ्रेंशिएट हो जाती है, तो ये दोबारा सेल साइकिल के अंदर एंटर नहीं करती है। लेकिन हमारे पास कुछ सेल्स के एग्जाम्पल्स हैं, कुछ एक्सेप्शन आर देयर, कुछ एग्जाम्पल्स हमारे पास ऐसे हैं जिनमें सेल दोबारा साइकिल में एंटर करती है। फॉर एग्जाम्पल, इन द पैरेन्काइमा सेल्स ऑफ द प्लांट ना, प्लांट में जो पैरेन्काइमा टिश्यूज है,
पेरेन्काइमा टिश्यूज में क्या होता है, जो डायकॉट प्लांट्स है, डायकॉट प्लांट्स में पेरेन्काइमा टिश्यूज की सेल्स सेल साइकिल से बाहर निकलती है और कॉर्क कैम्बियम का फॉर्मेशन करती है. ठीक है, सपोज दिस इज द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द डायकॉट प्लांट, दिस इज एपिडर्मिस, हियर द पेरेन्काइमा सेल्स आर देयर, दीज आर द पेरेन्काइमा सेल्स. ठीक है, तो ये पेरेन्काइमा सेल्स क्या करती है, सेल डिवीजन से बाहर निकलती है, ग्रो हो गया है, पूरा का पूरा ग्रोथ हो गई है. ठीक है, ग्रोथ होने के बाद सेल डिवीजन नहीं हो रहा है, ओनली द ग्रोथ विल टेक्स प्लेस. और ग्रोथ के बाद ये सेल्स क्या होती है, साइकिल से बाहर निकल जाती है और कॉर्क कैम्बियम का फॉर्मेशन करती है. हियर द कॉर्क कैम्बियम इज गोइंग टू फॉर्म. ठीक है, कॉर्क कैम्बियम का फॉर्मेशन यहां पर हो जाता है. कॉर्क कैम्बियम के फॉर्मेशन के बाद If these cells are again enter into the cell cycle, ठीक है, यहां पर ये exceptional case है हमारे पास. पेरेन्काइमा की cells फिर से cell cycle में enter हो जाती है और फिर से cell cycle में enter होने की process को हम कहते हैं de-differentiation. ठीक है, तो यहां पर एक और cambium के formation के बाद क्या होगा, the cells will again enter in the, यहां से हमारे पास ये जो red arrow से मैं show कर रही हूं, यहां से ये सेल साइकिल में फिर से सेल एंटर हो जाती है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डी डिफरेंसिएशन. क्लियर, डी डिफरेंसिएशन में क्या होगा, फिर से सेल साइकिल के अंदर सेल का एंटर हो जाना, ना जिस पर्पस से वो थी, जो फंक्शन उनको करना था, कॉर्क कैम्बियम का फॉर्मेशन करना था, उस कॉर्क कैम्बियम के फॉर्मेशन के लिए ये सेल साइकिल से बाहर निकली थी, वापस ये सेल साइकिल में एंटर होती है, ग्रोथ फेज पूरा कंप्लीट करती है. इट मींस प्रिपरेटरी फेज, जो इंटरफेज है, वो पूरा कंप्लीट करती है ना, रिक्वायरमेंट होता है तो वहां पर डिवाइड होती है. और डिवाइड होने के बाद, ठीक है, सपोज डिवाइड हो गई है, डिवाइड होने के बाद फिर से उसमें ग्रोथ हो चुकी है, नाउ देयर इज नो नीड ऑफ द डिवीजन. ठीक है, यदि वहां पर डिवीजन की कोई रिक्वायरमेंट और नहीं है तो ये सेल्स फिर से हमारे पास सेल साइकिल से बाहर निकलती है. That process is called as re-differentiation. Clear? Three process आपके पास देखने को मिल रही है. Differentiation one, de-differentiation two and three is the re-differentiation. ठीक है, क्या हुआ है हमारे पास, हमारे पास पूरा cell cycle complete हुआ है, cell डिवाइड नहीं हो रही है क्योंकि सेल अब दूसरा फंक्शन करने के लिए तैयार है. क्लियर, जब सेल अपना दूसरा फंक्शन करने के लिए तैयार हो जाती है तो ये डिफरेंशिएट हो जाती है. तो यहां पर सेल अपना दूसरा, क्योंकि आपको पता है पेरेन्काइमा की सेल्स जो होती है ये मेरिस्टेमेटिक सेल से फिर परमानेंट होती है, और परमानेंट होने के बाद इनका फंक्शन जो है वो चेंज हो जाता है. तो यहां पर ये पूरी की पूरी सेल्स जो है ये पूरा ग्रोथ फेज कवर अप करेगी, अब इसमें डिवीजन नहीं हो रहा है ना, बिकॉज देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ द डिवीजन, इट इज गोइंग टू बी परमानेंट फॉर द स्पेशल फंक्शन. तो उस टाइम पर क्या होगा, ये डिवाइड नहीं होती है, ग्रो करने के बाद सीधा सेल साइकिल से बाहर निकल जाती है. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन. इट मीन्स द सेल इज डिफरेंशिएटेड फॉर परफॉर्मिंग द स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन. ठीक है, वहां जाकर सेल अपना स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करती है. ठीक है, सेल का जो फंक्शन है, जैसे पेरेन्काइमा का एग्जाम्पल हमने लिया है. ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, ये सेल्स जो है ये अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगी, और अपना फंक्शन परफॉर्म करने के बाद इफ दे वांट टू अगेन डिवाइड, उस टाइम पर वो फिर से क्या होंगी, सेल साइकिल में एंटर करेंगी. सेल साइकिल में एंटर करने की प्रोसेस को हम बोलेंगे डी डिफरेंशिएशन. जब सेल एक बार साइकिल से निकलने के बाद वापस हमारे पास साइकिल में एंटर होती है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डी डिफरेंशिएशन. डी डिफरेंशिएशन के बाद फिर से सेल अपना डिवाइड होने का जो काम है वो शुरू कर देगी. ठीक है, जब तक इसकी रिक्वायरमेंट है वो डिवाइड होगी, लेकिन फिर उसके बाद में एक स्टेज ऐसी आएगी जब हमारे पास क्या होगा, फिर से वो अपना वहां पे स्टॉप हो जाएगी, डिवाइडिंग गेट्स स्टॉप, डिवीजन फेज नहीं आएगी, और उसके बाद फिर से ये अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए सेल से बाहर निकल जाएगी. सेल साइकिल को कंप्लीट किए बिना सेल से बाहर निकल जाती है, साइकिल से बाहर निकल जाती है. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज री डिफरेंशिएशन. तो सेल का बाहर निकलना, फिर से अंदर आना, फिर से बाहर निकलना इन अ साइकिल, दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट फेजेस. इनको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन,
डी डिफ्रेंसिएशन एंड री डिफ्रेंसिएशन. क्लियर? होपफुली आपको तीनों फिनोमिना के बारे में समझ में आ गया होगा. क्यू जो जी जीरो फेज है, क्विसेंट फेज है, दिस इज द इनएक्टिव फेज एंड दिस इज इनएक्टिव ओनली फॉर डिवीजन, नॉट फॉर द ग्रोथ. ग्रोथ फेज कंटिन्यूअसली वहां पर चलेगी और जब सेल के डिवाइड होने की रिक्वायरमेंट नहीं है उस केस में हमारे पास सेल जो है वो साइकिल से बाहर निकल जाती है. इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्रेंसिएशन या इसी स्टेज को हम कहते हैं जी जीरो फेज और द क्विसेंट फेज. क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द क्विसेंट फेज और द इनएक्टिव फेज और द जी जीरो फेज. इन आर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द सी वैल्यू. ना वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, व्हाट इज द सी वैल्यू. सो इन आर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट सी वैल्यू. थैंक यू वेरी मच.